तो गाइस आज हम कंपेयर करेंगे मोटो एज 50 प्रो को वन प्लस नॉट सीई 4 से। गाइस दोनों स्मार्टफोन का ना प्राइस ज्यादा है थोड़ा, मतलब वन प्लस जो है वो आपको 25,000 के अंदर मिल रहा है एंड मोटो है ये लाइक आपको 29 या 30 में मिलेगा ऑफर्स लगा के। तो डेफिनेटली प्राइस डिफरेंस तो है, बट यार इस प्राइस डिफरेंस में आपको कौन सा लेना चाहिए? क्या वन प्लस के ऊपर आपको मोटो एज 50 प्रो लेना लाइक वर्थ इट रहेगा एंड ये प्राइस डिफरेंस क्या जस्टिफाई करता है? इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे एंड यार डिटेल कंपैरिजन करेंगे, कैमरा कंपैरिजन, परफॉर्मेंस टेस्ट, गेमिंग टेस्ट, सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो ठीक है मैडम, अपना आप देख रहे गेट 6 एंड दिस इज फुल कंपैरिजन बिटवीन मोटो एज 50 प्रो वर्सेस वन प्लस नॉर्ड सी 4। So, let's begin. So guys, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, आपके लिए छोटी चीज है बट मेरा काफी हेल्प हो जाता है उससे। तो यार बात करते हैं इन दोनों की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। जो मोटो की बिल्ड है ना वो ज्यादा अच्छी है, पीछे आपको इको लेदर देखने को मिलता है एंड साइड में मेटल का फ्रेम है, काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। प्लस यार ये कर्व डिस्प्ले के साथ आता है तो ये भी एक बात है। हाँ, इसका जो लेदर है ना, ये जो एज 40 है उससे ज्यादा बेटर नहीं है, उसका मतलब लेवल ही अलग था लेदर का, बट उसके बाद मोटो ने कुछ कुछ फिक्सेस किए क्योंकि वो उखड़ रहा था, तो इसका लेदर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा मुझे, बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं लगा, बट स्टिल बिल्ड क्वालिटी तो मोटो की ज्यादा बेटर है क्योंकि आपको वन प्लस में ना प्लास्टिक फ्रेम देखने को मिलता है, प्लास्टिक बैग देखने को मिलता है। हाँ, दूर से देखने में यार अच्छा लगता है एंड अगर आपको वीगन लेदर पसंद नहीं है तो डेफिनेटली आपको वन प्लस पसंद आएगा, बट अगर रिगल लेदर पसंद है देन मोटो का बिल्ड क्वालिटी ज्यादा बेटर है। प्लस गाइस इसमें ना आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को मिलता है, स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलती है। हाँ, स्टीरियो स्पीकर वन प्लस में भी है बट इसमें डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट नहीं है। एंड गाइस मैं अगर स्पीकर की क्वालिटी की बात करूं तो यार आप एक बार खुद ही सुन लीजिए। एंड गाइस अगर मैं हैप्टिक्स की बात करूँ ना, तो गाइस वन प्लस की हैप्टिक्स काफी तगड़ी है एज कम्पेयर टू मोटो। मतलब इसका ना मतलब वो फील नहीं आता है यार, बट वन प्लस में अगर आप टाइप वगैरह कर रहे हो या नॉर्मल यूआई में स्क्रॉलिंग कर रहे हो, इस तरफ जा रहे हो उस तरफ जा रहे हो, तो बहुत अच्छी हैप्टिक्स है वन प्लस की। तो हैप्टिक्स डेफिनेटली आपको वन प्लस का बेटर देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा अच्छा मोटो में नहीं है। बट गाइस एक चीज जो अच्छी है मोटो में वो है आईपी सर्टिफिकेशन, इसमें IP68 देखने को मिलता है, वन प्लस में IP54 देखने को मिलता है। लेट डाउन किया वन प्लस ने इस प्राइस में, मतलब वो दे सकते थे बट नहीं दिया है। मोटो तो अपने सारे फोन में 20,000 के फोन में भी IP68 दे रहा है, तो ये डेफिनेटली काफी अच्छी चीज है। बट यस ओवरऑल ना बिल्ड क्वालिटी ज्यादा बेटर है, हैप्टिक्स में थोड़ा मार खा गया है मोटो, बट ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी में मैं मोटो को पॉइंट दूंगा। एंड गाइस अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो मोटो में आपको 6.7 इंचेस की पीओएलईडी डिस्प्ले है। गाइस डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है, 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले है एंड 1.5K रेजोल्यूशन के साथ आता है, वेयर एज वन प्लस में आपको 6.7 इंचेस की फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है एंड ये मतलब नॉर्मल डिस्प्ले, ये मोटो आपको 1.5K रेजोल्यूशन के साथ आता है। गाइस डिस्प्ले की क्वालिटी अगेन यहां पे ना ज्यादा इमर्सिव, ज्यादा बेटर आपको मोटो की लगेगी। हाँ, यूआई एक्सपीरियंस दोनों का काफी हद तक, मतलब जो स्क्रॉलिंग वगैरह है ना, मैं अगर बात कर रहा हूँ रिफ्रेश रेट की, तो काफी हद तक सेम है। हाँ, अगर आप 144 हर्ट्ज में रखते हो तब भाई मोटो में तो मतलब बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो जाती है, बट उसका भी ना एक प्रॉब्लम है जो मैं वीडियो में आगे बात करूंगा, बट 120 हर्ट्ज में यार बढ़िया चलता है, दोनों का स्मूथनेस है। हाँ, एक चीज है गाइस, आपको ना वन प्लस में इसका जो यूआई है यार वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, मतलब मुझे पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मोटो का स्टॉक एंड्रॉइड वाला फील आएगा, बिल्कुल क्लीन यूआई है एंड जो भी फीचर्स वगैरह है वो सब आपको देखने को मिलते हैं। वन प्लस में भी है अपनी यूआई का अपना फीचर है, बट बहुत ज्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा, ब्लोटवेयर्स एंड ऑल जो भी रहते हैं वो रहते हैं, जिसको आप हटा सकते हो तो ये नोट कर लेना। बट अगेन मतलब यूआई पर्सनल प्रेफरेंस भी होता है, बट अगर आप भी यूज करते हो ना तो आपको मोटो का यूआई ज्यादा बेटर लगेगा। एंड आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 साथ आता है, इस बार माई यूएक्स नहीं है मोटो में यूआई में, तो वो आप चीज ध्यान रखना, बट ठीक है, मतलब मुझे एक्सपीरियंस काफी अच्छा लगा है। एंड बहुत सारी चीज ना इधर उधर एआई वेआई का, मतलब इन्होंने बज वर्ड यूज किया है, कैमरा में यूज किया है, तो उसके बारे में मैं बात करूंगा कैमरा वाले डिपार्टमेंट में, बट हाँ यूआई ज्यादा बेटर है। एंड अगर मैं सॉफ्टवेयर अपडेट की बात करूं तो आपको वन प्लस में भाई 2 साल का अपडेट देखने को मिलेगा, एंड गाइस मोटो में 3 साल का अपडेट देखने को तो मिलेगा, बट गाइस मोटो मतलब अपडेट के मामले में ना काफी बदनाम है। बट हाँ, बहुत क्रिएटर्स ने मोटो से बात की है, मोटो बोला है भाई इस बार वो ट्राई करेंगे कि अच्छे से टाइम टू टाइम अपडेट दे, तो देखो 3 साल तो इसमें आएगा ये कंफर्म है, बट हाँ टाइमली नहीं आता है मोटो की, ये हमेशा से प्रॉब्लम रही है, तो आई होप कि टाइमली इस बार अपडेट दे, तो अगर टाइमली देते हैं देन तो बहुत अच्छी बात है, वरना वन प्लस में ऐसा अपडेट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वन प्लस अपडेट बढ़िया देता है। एंड गाइस अगर मैं इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करूं तो दोनों का यार बढ़िया है, अच्छा काम कर रहा है, मोटो का थोड़ा मुझे फास्ट लगा है ओवरऑल, बट ऐसा नहीं है मतलब फास्ट तो वन प्लस का भी है, बट कभी कभी ना मिस हो जाता है, ये एक प्रॉब्लम है। अपार्ट फ्रॉम दैट भाई दोनों में ही आपको स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 देखने को मिलता है,
एंड गाइस अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो सबसे पहले यार बात करते हैं हीटिंग इशू की, क्योंकि गाइस दोनों ही स्मार्टफोन में सरप्राइजिंगली हीटिंग इशू है। दोनों ही स्मार्टफोन थर्मल थ्रॉटल करता है, बट उसके बावजूद गाइस दोनों ही स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस ना काफी अच्छी है। मतलब ठीक है, इस प्राइस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, वन प्लस का तो डेफिनेटली 25 के अंदर आ रहा है तो अच्छी है ही, मोटो 30 में है तो 30 के हिसाब से भाई ठीक है। तो अगर आप बीजीएमआई वगैरह खेलते हो तो 60 FPS दे देती है दोनों ही स्मार्टफोन में, उसके अलावा जेंसन इंपैक्ट में आपको 40 FPS ऑलमोस्ट मिलेगी। बट यार देखो हीटिंग तो दोनों में है एंड आपको ये पता चलेगा, मतलब मोटो में ना थोड़ा ज्यादा ही पता चलता है, थर्मल थ्रॉटल तो दोनों ही करता है बट मोटो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा हीट होता है, ये एक चीज मैंने नोटिस की है। एंड गाइस इसे ना अभी ऑलमोस्ट मेरा टीम यूज कर रहे हैं 7 दिन से, तो इसका 7 डे रिव्यू भी आने वाला है, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड, तो उसमें मैं और डिटेल से बात करूंगा इसके बारे में, क्या क्या छोटी छोटी कमी है, क्या क्या अच्छी चीजें सबके बारे में, कंपैरिजन बहुत बड़ा बन जाएगा इसलिए मैं बहुत सारी चीज यहां पे कवर नहीं कर सकता हूं। बट हां बेसिक इन्फो एंड जिससे आपको डिसीजन लेने में मतलब आसानी हो, बाइंग डिसीजन, वो मैं कवर कर दूंगा। तो परफॉर्मेंस दोनों का ठीक है, आप अगर गेमिंग वगैरह करते हो तो ठीक है, बट यहाँ गेमर्स को ध्यान में रख के नहीं बनाया गया क्योंकि थर्मल थ्रॉटल यार थोड़ा करता है, फ्यूचर में ठीक हो जाए वो अलग बात है बट अभी के लिए दोनों ही थर्मल थ्रॉटल करता है। अच्छा गाइस एक चीज है, आपको वन प्लस में UFS 3.1 देखने को मिलती है, वेयर एज मोटो में भाई 30-32 हज़ार का फोन है एंड इसमें 2.2 दे रखा है, बहुत बड़ा लेट डाउन है ये, तो ये ध्यान रखना। एंड हाँ अगर आप नॉर्मली यूज करोगे ना तो आपको पता चलेगा भाई इधर उधर कि कुछ तो कमी है, तो ये एक चीज है। उसके अलावा ब्लूटूथ 5.4 दोनों में ही देखने को मिलता है, कनेक्टिविटी में कोई इशू नहीं है, वाईफाई में कोई इशू नहीं है, 5G में कोई इशू नहीं है। हाँ थोड़े बैंड्स कम है वन प्लस में, मोटो में है, बट यार अभी तक मुझे ऐसे डे टू डे लाइफ में ना मतलब इंडिया में जो बैंड चलते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं आई है, तो दोनों में कनेक्टिविटी में भी कोई इशू नहीं। ओके तो गाइस बात करते हैं कैमरास की, क्योंकि यहाँ पे यार काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है चीजें। देखो मोटो में ना आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 50 MP का मेन कैमरा है विद OIS, 10 MP का टेलीफोटो कैमरा दे रखा है, लेंस दे रखा है, 3x की टेलीफोटो देता है, एंड उसके अलावा गाइस 13 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, एंड वीडियो रिकॉर्डिंग 4K 30 FPS होती है, वेयर एज वन प्लस में मेन कैमरा आपको 50 MP का देखने को मिलता है एंड 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है, एंड वीडियो रिकॉर्डिंग में भी 4K 30 FPS होती है। तो आपको मैं पहले ना वीडियो सैंपल दिखा देता हूँ, आप देख लो कि क्वालिटी किसकी ज्यादा बेटर है। तो गाइस अब आप कैमरा की क्वालिटी देख सकते हो, गाइस दोनों में 4K 30 FPS होता है, एक चीज अच्छी है आपको मोटो में अल्ट्रा वाइड में भी 4K देखने को मिलता है, टेलीफोटो में भी 4K है, तो ये एक अच्छी चीज है, मैं दिखाऊंगा आपको। बट 1080p आपको देखने को मिलता है वन प्लस में, ये ध्यान रखना। बाकी यार आप देखो मैं घूमता हूँ यहाँ पे, आप क्वालिटी देख सकते हो कलर्स कैसा रखता है, पीछे इस तरफ से थोड़ा धूप आता है बट अभी धूप नहीं है, बट स्टिल लाइट इस तरफ से ज्यादा है। तो गाइस अब आप कैमरा की क्वालिटी देख सकते हो, गाइस दोनों में 4K 30 FPS होता है, एक चीज अच्छी है आपको मोटो में अल्ट्रा वाइड में भी 4K देखने को मिलता है, टेलीफोटो में भी 4K है, तो ये एक अच्छी चीज है, मैं दिखाऊंगा आपको। बट 1080p आपको देखने को मिलता है वन प्लस में, ये ध्यान रखना। बाकी यार आप देखो मैं घूमता हूँ यहाँ पे, आप क्वालिटी देख सकते हो कलर्स कैसा रखता है, पीछे इस तरफ से थोड़ा धूप आता है बट अभी धूप नहीं है, बट स्टिल लाइट इस तरफ से ज्यादा है। एंड अगर मैं फ्रंट की बात करूं तो गाइस वन प्लस में 16 MP है, एंड गाइस मोटो में 50 MP है, 50 MP एंड 4K में भी ये रिकॉर्डिंग करता है फ्रंट में वीडियो, बट वन प्लस नहीं करता है। तो गाइस अब बात करते हैं कैमरा क्वालिटी की, फोटोज की, क्योंकि मोटो ने इसमें AI वगैरह यूज कर रखा है, तो यार देखते हैं कि क्वालिटी कैसी है। एंड आप भी मुझे कमेंट में जरूर बताना कि क्वालिटी किसकी आपको ज्यादा अच्छी लगी है, इवन कलर्स किसके ज्यादा आपको बेटर लगे। तो मेन सेंसर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो मोटो में ज्यादा एक्यूरेट कलर है, हाँ सेचुरेशन है थोड़ा, बट वन प्लस ना उससे ज्यादा सेचुरेट रख रहा है, एंड वन प्लस में ना कॉन्ट्रास्ट भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, इंडोर आउटडोर दोनों में ही सेम कंडीशन है, वन प्लस में थोड़ा ज्यादा कॉन्ट्रास्ट है एज कम्पेयर टू मोटो। एंड यहाँ पे आप कलर्स वगैरह देखोगे ना, वन प्लस थोड़ा सा फेड लग रहा है, हालांकि मोटो ना सोशल मीडिया रेडी फोटोज ले रहा है, ये अच्छी चीज लगी है मुझे। यहाँ पे भी आप देखोगे तो कॉन्ट्रास्ट अल्ट्रा वाइड में भी आपको वन प्लस में ज्यादा देखने को मिलेगी, ज्यादा क्लियर यहाँ पे मोटो का है आप देख सकते हो, एंड वन प्लस में मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, नो इट्स नॉट लुकिंग गुड। एंड फ्रंट कैमरा की बात करो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कलर्स अगेन दोनों में मतलब ठीक ठाक है, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा वन प्लस में ज्यादा है, मोटो में थोड़ा सा कलर्स ठीक ठाक रख रही है, एंड स्किन हल्का सा ना सॉफ्ट लग रहा है मुझे मोटो में, ये मैंने चीज देखा है। बाकी पोर्ट्रेट में तो यार मतलब दोनों का ही अच्छा आ रहा है, कोई शिकायत नहीं है, अपना अपना पसंद हो जाता है, बट दोनों काफी अच्छा ले रहा है। हाँ मोटो में थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट रख रहा है एंड कलर्स दोनों के ही थोड़े थोड़े अलग है, बट ओवरऑल काफी अच्छा फोटोज है। ओके तो गाइस अब बात करते हैं बैटरी बैकअप की। तो गाइस देखो एक चीज है, यहाँ पे लेट डाउन है, वैसे वन प्लस में आपको 5500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है एंड इसमें 100 W का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है, वेयर एज मोटो में सिर्फ 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, बहुत बड़ा लेट डाउन है। एंड मैं ना अभी बता देता हूँ भाई, आप कितना भी ऑप्टिमाइज कर लो, कितनी भी अच्छे से चलाओ,
बैटरी बैकअप आपको इसमें खराब ही मिलने वाली है। उसके अलावा हाँ 68 वॉट का चार्जर है, हालांकि 125 वॉट सपोर्ट करता है, प्लस 50 वॉट का ना वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है एंड 10 वॉट का रिवर्स वायरलेस चार्जिंग। बट गाइस ठीक है, बट अगेन मैं बोलूंगा कि बैटरी बैकअप के लिए ना वन प्लस ही ज्यादा बेटर है, इसमें आपको अच्छी बैटरी बैकअप नहीं मिलेगी। हाँ मैं 7 दिन से यूज कर रहा हूँ, आई मीन मेरे टीम मेट्स यूज कर रहे हैं, तो उनके हिसाब से हीट वीट भी करती है, तो बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। बट हाँ एक चीज है कि मतलब ठीक है, आपको लुक वाइज आपको काफी कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है एंड इन्होंने एआई वगैरह यूज किया, बट स्टिल बैटरी बैकअप आपको नथिंग में ज्यादा बेटर देखने को मिलेगी। वैसे नथिंग का आपको डिटेल रिव्यू मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर लेना एंड बहुत सारे कंटेंट आने वाले H50 Pro से रिलेटेड, तो उसके लिए भाई चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बट मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही रहेगा कि देखो बैटरी बैकअप अच्छी चाहिए तो आग बंद करके वन प्लस, बट हाँ परफॉर्मेंस में दोनों सिमिलर है, यहाँ पे मैं डिफ्रेंशिएट नहीं करूंगा, दोनों दोनों में ही थर्मल थ्रॉटल है, दोनों की परफॉर्मेंस अच्छी है ये एक चीज है। बट गाइस कैमरा के मामले में मुझे लगता है डेफिनेटली जो मोटो ने इस बार काफी अच्छा काम किया है। डेफिनेटली देखो भाई अगर आपको कैमरा अच्छा चाहिए गो फॉर मोटो H50 Pro, अगर आपको बैटरी अच्छी चाहिए देन गो फॉर वन प्लस, बस यही वर्डिक्ट है। इन्हीं दो पैरामीटर्स में आप डिसाइड कर सकते हो मेरे हिसाब से। बाकी यार आप बताओ आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट बॉक्स में, एंड वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अच्छा नहीं लगा है डिसलाइक कर सकते हो, एंड नीचे कमेंट में बताना भाई इंप्रूवमेंट की क्या क्या जरूरत है तो मैं ट्राई करूंगा इंप्रूव करने की। एंड गाइस अगेन अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो तक देख लिया अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल में नहीं हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, मिलते हैं अगले वीडियो।